हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो गाइस। आज हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस। क्योंकि अगर हम कोई भी टेंस सीख रहे हैं या मैथ्स में कुछ सीख रहे हैं या कोई भी टॉपिक सीख रहे हैं नया, अगर हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो हमारी मेमोरी से धीरे धीरे आउट होने लगता है, हम उसको भूलने लगते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं तो उसकी पहले प्रैक्टिस कर लें, तभी हम कुछ नई चीज़ें सीखें ताकि वो हमारी मेमोरी में फिट हो जाए। ठीक है, चलिए गाइज अब प्रैक्टिस करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। मैंने इन दोनों के रूल्स लिख दिए हैं सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर के। गाइज हम पहले करेंगे सिंपल सेंटेंसेस, फिर नेगेटिव, देन इंटरोगेटिव। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, सब्जेक्ट देन V1 या V5 देन ऑब्जेक्ट। मैंने अपनी टाइम एंड टेंस वीडियो में V1 और V5 तक जितनी भी फॉर्म होती है वर्ब्स की वो सारी बताई हैं, एंड टाइम ही हमारा डिसाइड करता है कि कौन सा टेंस होगा। तो गाइज अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी कि V5 क्या है, V4 क्या है, तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं पहले ही बता देती हूँ कि V5 जो फॉर्म होती है वो होती है जब हम वर्ब के साथ एस या ES लगा देते हैं। जैसे गो का क्या हो गया, गोज, टॉक का टॉक, स्विम का स्विम्स, राइट का राइट्स। तो ये हो गई हमारी V5 फॉर्म। और V2 तो सबको पता ही है कि जब हम वर्ब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है वो हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होती है। चलिए गाइस अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। तो पहला सेंटेंस है कि वह सुबह जल्दी उठता है, वह सुबह जल्दी उठता है, वह सुबह जल्दी उठता था। ठीक है, तो ये प्रेजेंट की बात है, ये पास्ट की बात है। तो वह ही उठने को गेट, ही गेट्स अप अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ हमारा V5 फॉर्म यूज होती है, एंड आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ हमारी V1 यूज होती है। ठीक है गाइज, इसीलिए मैंने यहाँ पे एस लगाया, गेट के साथ गेट्स लगाया। ठीक है, अगर यहाँ पर आई वी यू दे सब्जेक्ट होता तो मैं यहाँ पर गेट लगाती। क्लियर गाइज। अब यहाँ पे सेकंड सेंटेंस है कि वह सुबह जल्दी उठता था, तो ही गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, ही गॉट अप अर्ली मॉर्निंग, ही गॉट अप अर्ली मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हम नदी में तैरते हैं, हम नदी में तैरते हैं, वी स्विम इन द रिवर, वी स्विम इन द रिवर। अब यहाँ पे V1 यूज हुई है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई वी यू दे वी है इसमें। हम नदी में तैरते थे, वी स्विम की सेकंड फॉर्म स्विम, स्वैम, स्वम, वी स्वैम इन द रिवर। बस हमें ये फॉर्म याद रखनी है कि टेंस कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं। सीता गाना गाती है, तो सीता क्या है, सिंगुलर नाउन, तो V5 यूज होगी इसमें। सीता सिंग्स का क्या हो गया, सीता सिंग्स सॉन्ग, सीता गाना गाती थी, सीता सिंग की सेकंड फॉर्म सैंग, सीता सैंग सॉन्ग। यहाँ पे सॉन्ग्स भी कर लेते हैं क्योंकि एक गाना तो नहीं गाती थी, बहुत सारे गाने गाती थी। रसोईया खाना बनाता है, रसोईया सिंगुलर नाउन है तो क्या होगा, कुक, रसोईये को कुक बोलते हैं, कुक, कुक्स द फूड, कुक, कुक्स द फूड, क्योंकि कुक है और यहाँ पे कुक बनाना हो गया, पकाना हो गया, तो यहाँ पे हमने SCIS की फॉर्म लगाई है V5। एंड रसोईया खाना बनाता था तो कुक, कुक्ड सेकंड फॉर्म हो गई कुक की, कुक्ड, कुक्ड द फूड। क्लियर। तुम यहाँ रहते थे, यू लिव हेयर, तुम यहाँ रहते थे, यू लिव्ड हेयर,
ठीक है गाइज, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसमें हमारी V1 या V5 यूज़ होगी और यहाँ पर हमारी V2 यूज़ होगी। चलिए गाइज, अब करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, प्रेजेंट एंड पास्ट। गाइज, मैंने यहाँ पर दोनों का सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख दिया है, दोनों टेंसेस का, कि सब्जेक्ट देन डू डज देन नॉट। अब इसमें यूज होगा डू या डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और यहाँ पर नॉट देन V1 आएगा। ठीक है, हमेशा नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में V1 की फॉर्म यूज होती है, क्योंकि डू और डज की हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड यूज होता है, वहां पर भी V1 यूज होती है। अक्सर बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं, डिड भी यूज कर देते हैं एंड V2 यूज कर देते हैं, यहाँ पर डू डज भी यूज कर देते हैं एंड V5 भी यूज कर देते हैं, वो ग्रामेटिकली हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, ये देखिए, तुम किताब नहीं पढ़ते हो, तुम किताब नहीं पढ़ते थे, तो यू प्रेजेंट इनडेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, यू डू नॉट रीड बुक, यू डू नॉट रीड बुक, तुम किताब नहीं पढ़ते थे, यू डिड नॉट रीड बुक, यहां डिड यूज हो रहा है, यहां पे डू यूज हो रहा है। वह तुम्हें नहीं जानता है, ही डज नॉट नो यू। अब गाइज, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग इस बात में कंफ्यूज हो रहे होंगे, कंफ्यूजन हो रही होगी उन्हें कि डू के साथ, ही शी इट के साथ डज यूज हो रहा है किसी नाम के साथ, और यू वी दे के साथ डू यूज हो रहा है। तो गाइज, उसके लिए आपको मेरी पहले जो मैंने वीडियो बनाई है प्रेजेंट एंड पास्ट की, वो आप सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के साथ मैंने समझाया हुआ है, अगर वो आप समझ लेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ही डज नॉट नो यू, वह तुम्हें नहीं जानता था, ही डिड नॉट नो यू। हम चाय नहीं पीते हैं, वी डू नॉट टेक टी। अब देखिए, ही के साथ डज यूज हो रहा है, वी के साथ डू यूज हो रहा है, यू के साथ डू यूज हो रहा है, तो इसके लिए हमें पूरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, हमें वो जो मैंने टेंस पढ़ाया है वो देखना होगा, उसके बाद हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, तो वो बहुत इजी हो जाता है और बहुत ही फटाफट सेंटेंसेस बन जाते हैं। ठीक है, वी डू नॉट टेक टी। अब गाइस, कई बच्चे यूज करते हैं ड्रिंक नहीं यूज करना है, टेक यूज करना है। ड्रिंक क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम बहुत जल्दी से पी लेते हैं, जैसे पानी, दूध, जूस, तो उसके लिए हम ड्रिंक लगाएंगे। ठीक है, लेकिन चाय पी रहे हैं, वो एकदम से हम नहीं पीते हैं, वो सिप सिप करके पीते हैं, तो टेक लगाना है गाइस। ठीक है, अब टेक ही यूज होता है, ड्रिंक यूज नहीं होता है। हम चाय नहीं पीते थे, वी डिड नॉट टेक टी। मम्मी हमें नहीं डांटती है, मदर डज नॉट, सिंगुलर है, मदर डज नॉट स्कॉल्ड, डांटने को स्कॉल्ड अस। मम्मी हमें नहीं डांटती थी, मदर या मम्मी, मदर डिड नॉट स्कॉल्ड अस। ठीक है, वह झूठ नहीं बोलती है, शी डज नॉट टेल अ लाई, शी डज नॉट टेल अ लाई, वह झूठ नहीं बोलती थी, शी डिड नॉट टेल अ लाई। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए गाइज, अब करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। ये देखिए, मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख दिए हैं, क्या आप दिल्ली में रहते हो, क्या आप दिल्ली में रहते थे, प्रेजेंट एंड पास्ट, इसका मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर भी लिख दिया है। ठीक है, डू डज देन सब्जेक्ट देन V1 एंड ऑब्जेक्ट, पहले डू डज आएगा हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। ऐसे ही पास्ट में डिड पहले आएगा, देन सब्जेक्ट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या आप दिल्ली में रहते हो, डू यू लिव इन
दिल्ली. डू यू लिव इन दिल्ली? क्या आप दिल्ली में रहते थे? डिड यू लिव इन दिल्ली? डिड यू लिव इन दिल्ली? क्या रात को कुत्ते भौंकते हैं? डू डॉग्स, अब डॉग्स ज़्यादा हैं तो डू यूज़ होगा क्योंकि प्लूरल है, डू डॉग्स बार्क एट नाइट? क्या रात को कुत्ते भौंकते थे? डिड डॉग्स बार्क एट नाइट? क्या रोज़ बारिश होती है? अब इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इट को सब्जेक्ट बनाएंगे. इट, डज इट रेन, डज इट रेन डेली? डज इट रेन डेली? क्या रोज बारिश होती थी? डिड इट रेन डेली? डिड इट रेन डेली? क्या आप कक्षा में शोर करते हो? तो डू यू मेक अ नॉइज इन क्लास? डू यू मेक अ नॉइज इन क्लास? क्या आप कक्षा में शोर करते थे? डिड यू, डिड यू मेक अ नॉइज इन क्लास? क्या वे नृत्य सीखते हैं? क्या वे, तो प्लूरल है, दे में बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल है. देन डू दे लर्न डांसिंग? डू दे लर्न डांसिंग या डांस, डांस कर लीजिए इसको. डू दे लर्न डांस? क्या वे नृत्य सीखते थे? Did they learn dance? चलिए गाइज अब करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, ठीक है? चलिए इसका भी मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख दिया है. डू डज, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, थर्ड नंबर पे नॉट, देन वी वन, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ऐसे ही पास्ट इंडेफिनेट का डिड देन सब्जेक्ट देन नॉट वी वन देन ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क. देखिए सेंटेंसेस मैंने लिख दिए. क्या आप मैगी नहीं खाते हो? क्या आप मैगी नहीं खाते थे? क्या आप, डू यू नॉट ईट मैगी? डू यू नॉट ईट मैगी? क्या आप मैगी नहीं खाते थे? डिड यू नॉट, डिड यू नॉट ईट मैगी? क्या वह बात नहीं करती है? डज शी नॉट टॉक? क्या वह बात नहीं करती थी? डिड शी नॉट, डिड शी नॉट टॉक? डिड शी नॉट टॉक? ये बिल्कुल इजी है. क्या वह तेज नहीं दौड़ता है? डज ही Not run fast? क्या वह तेज नहीं दौड़ता था? Did he not? Did he not run fast? क्या आप देर से नहीं सोते हो? Do you not sleep late? या do you not go to bed late? Do you not go to bed late? Go to bed late. ठीक है. क्या आप देर से नहीं सोते थे? Did you not go to bed late? क्लियर. अब लास्ट सेंटेंस है. क्या तुम बाहर नहीं खेलते हो? Do you not play outside?
क्या तुम बाहर नहीं खेलते थे? डिड यू नॉट प्ले आउटसाइड? चलिए गाइज, जैसे मैं आपको मैंने पढ़ाया समझाया तो आपको भी लग रहा होगा कि कितना इजी टेंस है, और है भी बहुत इजी। अगर आप थोड़ा सा फोकस, अपना थोड़ा सा फोकस उस पर लगाएंगे ना, तो कोई भी टेंस मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है, थोड़े से रूल्स फॉलो करने हैं, और वो टेंस बहुत ही ईजी हो जाता है। चलिए गाइज, आज का ये वीडियो मैं यहीं पर ओवर करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।